नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रदेश के 20 जिलों में मतदान हो रहा है। पहले चरण में जिस तरह से हंगामे और मत पेटियों को लूटने की खबरें सामने आई थी, वैसी खबरें दोबारा ना आए उसे देखते हुए यूपी पुलिस के जवान पोलिंग बूथ पर मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। लेकिन प्रशासन की सख्ती और मुस्तैदी एटा में नहीं दिखाई दे रही है और मतदान से पहले ही दबंगों ने जमकर हंगामा काट दिया है। हंगामा भी ऐसा कि एक शख्स की जान चली गई है, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव शुरू होने से पहले ही यूपी पुलिस ने बदमाशों और हंगामा करने वालों से निपटने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया था। लेकिन एटा में चुनावी रंजिश को लेकर हुई दो घटनाओं ने प्रशासन के सारे दावों की अब पोल खोल कर रख दी है। पहली घटना बावसा गांव में हुई, जहां प्रधान पद के दो प्रत्याशियों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से जमकर पथराव और फायरिंग हुई। फायरिंग में एक प्रत्याशी के समर्थक प्रदीप कुमार जैन को गोली लग गई, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं दूसरी घटना भगीपुर गांव की है, जहां अज्ञात बदमाशों ने प्रधान पद की उम्मीदवार के पति को ही गोली मार दी। गोली लगने से प्रधान पद की उम्मीदवार का पति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए आगरा रेफर कर दिया गया है। एक साथ हुई इन दो घटनाओं के बाद प्रशासन भी सख्ते में आ गया और अब गांव में भारी पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया, ताकि आगे की स्थिति ना बिगड़े। इस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनावी रंजिश के चक्कर में लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए हैं। चुनाव में अपनी जीत पक्की करने के लिए प्रत्याशी एक दूसरे का खून बहाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। इन घटनाओं को रोकने और निपटने के लिए प्रशासन को सख्त रवैया अपनाने के साथ भारी संख्या में तैनात होने की जरूरत है, ताकि इस तरह से चुनाव के समय में प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को समय रहते ही संभाला जा सके। आपकी क्या राय है इस पूरी घटना को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर लिखकर जरूर बताएं। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीके न्यूज़ यूपी। धन्यवाद।